नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता भारत का एकमात्र शहर है जो आज भी पुरानी भारत का याद दिलाता है, और कोलकाता में स्थित सोनारगाछी पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कोलकाता के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको हैरान कर सकता है। दोस्तों, अगर मेट्रो सिटी के लिहाज से देखा जाए तो कोलकाता भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली के बाद कोलकाता भारत का दूसरा बड़ा शहर है। अंग्रेज शासन के दौरान कोलकाता भारत का राजधानी हुआ करता था, और लंदन के बाद यह पूरे ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था। लेकिन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया। कोलकाता भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर धर्म और जाति के लोग एक दूसरे को काफ़ी सम्मान करते हैं, और यहाँ पे बसने वाले ज़्यादातर बंगालियाँ रविंद्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम के रचना से काफ़ी प्रभावित हैं। कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल लोगों को पुराने भारत की याद दिलाता है, और कोलकाता को ऐसी खूबसूरत इमारतों के लिए सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है। कोलकाता भारत का एकमात्र शहर है जहां आज भी ट्राम रेल चलती है, और ट्राम को कोलकाता के परिचय का एक हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा कोलकाता में आज भी हाथों से टाने जाने वाला रिक्शा चलाया जाता है। कोलकाता का ईडन गार्डन्स पूरे भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कोलकाता में स्थित साइंस सिटी पूरे भारत का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है। कोलकाता ही पहला वो शहर है जहां अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन बुरी आत्माओं से प्रभावित है, और कोलकाता मेट्रो में होने वाली कुल आत्महत्याओं की लगभग 70% यहीं पे हुई है। कोलकाता में स्थित रॉयल गोल्फ क्लब इंग्लैंड के बाहर दुनिया का सबसे पहला गोल्फ क्लब है, जो 1829 में बनाया गया। कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट भारत का सबसे बड़ा पुरानी किताबों का बाजार है। टोक्यो के बाद कोलकाता एशिया का दूसरा ऐसा शहर है जिसको 5 नोबेल प्राइज से नवाजा गया। कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, और यही नहीं, कोलकाता में स्थित मोहन बागान और ईस्ट बंगाल क्लब को भारत के सबसे बड़े दो फुटबॉल क्लबों में से माना जाता है। कोलकाता में स्थित बिरला प्लैनेटोरियम पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लैनेटोरियम है, जहां दिन में लोग तारे भरे रातों का मज़ा उठा सकते हैं। कोलकाता म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। कोलकाता का रेड लाइट एरिया सोनारगाछी को पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे देशों की महिलाएं काम करती हैं। कोलकाता में स्थित अलीपुर जू भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। कोलकाता बुक फेयर पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बुक फेयर है। कोलकाता भारत का एकमात्र शहर है जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा।